Hello everyone, in today's video explanation we are going to read about the 5th chapter of class 9 English Moments, and the title of the story is The Happy Prince. Ek Khushmizaj Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. Abhi ye Happy Prince kya hai? To ye ek beautiful statue hai. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. इस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू में इसके जो बॉडी थे वो गोल्ड के प्लेट्स से ढके पड़े थे. एंड ही हैड सफायर्स फॉर आइज, उसकी आँखों में आईबॉल के बदले सफायर्स, एक बहुत ही एक्सपेंसिव और प्रीशियस मेटल ज्वेल. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसके तलवार में रूबी जड़े थे. व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स. तो अब सवाल ये उठता है कि भला जब कोई प्रिंस की स्टैचू इतनी खूबसूरत हो, वो प्रिंस इतना हैप्पी रहने वाला हो, तो फिर क्यों अपने सारे के सारे एक्सपेंसिव और ऑर्नामेंट्स को अपने बॉडी से वो हटाने को तैयार हो जाता है? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. अभी बात हो रही है कि हाई अबव द सिटी ऑन द टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. शहर के एक ऊँचे से एक बड़े ऊँचे हिस्से में एक टॉल, एक लंबे से कॉलम पे हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी की गई थी. और ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और उसके पूरे शरीर पे सोने की पतली पतली परतें, पत्तियां लगाई गई थी. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और आँखों के बदले उसमें दो चमकीले सफायर्स लगे थे, और एक लार्ज रेड रूबी उसकी तलवार के डंडी में चमकता रहता. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो, एक रात उस शहर के ऊपर से एक नन्हा स्वैलो उड़कर पार कर रहा होता है. उसके फ्रेंड्स पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं लगभग 6 सप्ताह पहले, लेकिन वो यहीं पे रह गया था. अब उसने डिसाइड किया है कि वो भी इजिप्ट को उड़ चलेगा, चला जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी. तो वो दिन भर उड़ता रहा और रात के वक्त वो उसी शहर पहुँचता है जहाँ पर इस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी है. वेयर शैल आई पुट अप ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. अब वो खुद से बातें कर रहा है कि भला मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, मुझे लगता है कि शहर ने मेरे लिए कुछ तैयारियाँ कर रखी होंगी. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, अब उसने उस ऊँचे कॉलम पे, उस लंबे से कॉलम पे एक मूर्ति खड़ी देखी. उसने सोचा कि आई विल पुट अप देयर, मैं यहीं ठहरूंगा. इट्स अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, वो कहता है कि ये बहुत बढ़िया जगह है, खूब सारी ताज़ी हवा आ रही है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो उसने ये निश्चय किया कि वो हैप्पी प्रिंस के दोनों एड़ियों के बीच रेस्ट करेगा, आज की रात आराम करेगा. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जब वो अपने आसपास देखता है तो वो खुश होकर कहता है कि अरे वाह, मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि जो पूरी मूर्ति थी वो सोने की बनी थी. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और जैसे ही वो ऐसा सोचकर सोने की तैयारी कर रहा होता है कि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिर पड़ती है. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright. And yet it is raining. अब पानी की उस गिरी हुई बूंद को देखकर वो सोचता है कि अरे what a curious thing, ये भला कैसे, एक बादल का ज़रा भी नामो निशान नहीं है स्काई में, आकाश में, और तारे बिल्कुल क्लियर हैं, साफ चमकते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है. Yet it is raining. ये भला कैसे. देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरी बूंद भी उसके ऊपर गिरती है. व्हाट्स द यूज़ ऑफ अ स्टैच्यू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. अब वो स्वैलो खुद में सोचता है कि भला ऐसी मूर्ति का क्या काम जो उसे बारिश से नहीं बचा पाए. ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. उसने सोचा कि वो अपने ठहरने के लिए कोई दूसरी अच्छी जगह, जैसे कि कोई अच्छी सी चिमनी पॉट को ढूंढेगा, और उसने निश्चय करके उड़ने का ठान लिया. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ आह व्हाट डिड सी. लेकिन इसके पहले कि वो अपने पंख खोलकर उड़ने की कोशिश करता, एक तीसरा ड्रॉप भी उसके ऊपर आता है. और इस बार जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता क्या है,
द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स. इस हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी थी एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. और ये जो आंसू थे वो उसके गोल्डन सुनहरे गालों पर से बहते जा रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी. उस चांदनी रात में स्टैचू गोल्डन प्रिंस हैप्पी प्रिंस का चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत चमक रहा था कि बेचारे स्वेलो को दया आ गई. ही वॉज फिल्ड विथ पिटी. हु आर यू ही सेड. आई एम द हैप्पी प्रिंस. वाई आर यू वीपिंग देन आस्क्ड स्वेलो. फिर उससे स्वेलो ने पूछा कि भला तुम रो क्यों रहे हो. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया. When I was alive and a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. जब उसने कहा कि तुमने तो अपने आंसुओं से मुझे बिल्कुल भिगो दिया, मुझे काफ़ी प्रभावित किया है, तो भला तुम रो क्यों रहे हो. तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि जब तक मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं. आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वेयर. क्योंकि मैं तो राजमहल में रहता जहाँ पर दुख को आने की अनुमति नहीं थी, सौरव को एंटर करने की अनुमति नहीं थी. माय कर्टियर्स, मेरे जो दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते और वाकई हैप्पी इंडीड आई वॉज. मैं वाकई में काफ़ी खुश था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. मैंने अपना पूरा जीवन हंसते हंसते बिताया, खुशी में बिताया, और खुशी में ही मेरी मौत भी हुई. मतलब मैंने अपने जीवन में कभी भी अफसोस दुख कभी देखा ही नहीं. एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे मस्ट हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अग्लीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी. एंड दो माई हर्ट इज़ मेड अप ऑफ लीड, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. अभी यहाँ पर वो कहता है, लेकिन मेरी मौत के बाद जब मुझे यहाँ पर खड़ा किया गया, मेरी मूर्ति यहाँ पर खड़ी की गई, तो अब मैं शहर की अग्लीनेस, भद्देपन और गरीबी और दुख दर्द को देख सकता हूँ. हालांकि मेरा जो हर्ट लीड का बना है, फिर भी मैं और कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के. मतलब मैं चाहता हूँ किसी की हेल्प करना, बट आई कैन नॉट चूज बट वीप. व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स. अभी स्वेलो ने खुद से पूछा, क्योंकि वो उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो उस हैप्पी प्रिंस से पूछ सके, तो वो खुद से ही कहता है कि क्या ये पूरा सॉलिड गोल्ड का नहीं बना, क्या इसका हार्ट गोल्ड का नहीं बना. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. अब वो जो स्टैचू है वो म्यूजिकल वॉइस में कहता है कि दूर कहीं, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट इज अ पुअर हाउस. इस दूर किसी एक छोटे से स्ट्रीट में एक काफ़ी टूटा फूटा गरीब घर है. उसकी एक खिड़की जो है वो हमेशा खुली रहती है. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वीमन सीटेड एट अ टेबल. और मैं वहाँ से देख सकता हूँ कि एक महिला है जो कि टेबल पे बैठी है. हर फेस इज थिन एंड वर्न एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नील, फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस. अभी क्योंकि वो एक बुनाई करने वाली महिला है, सिलाई बुनाई करने वाली महिला को सीमस्ट्रेस कहा जाता है. और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल थिन वर्न, मतलब बिल्कुल झुर्रीदार. उसके जो हाथ है वो सिलाई करते करते काफ़ी रफ हो चुके हैं, खुरदरे हो चुके हैं. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर. वो एक सैटन गाउन तैयार कर रही है, उसमें कढ़ाई नक्काशियाँ कर रही है क्वीन के मेड ऑफ ऑनर के लिए. टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, क्योंकि उसे इसे अगले कोर्ट बॉल पर पहनना है, एक पार्टी में पहनना है. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल. और उसी कमरे में उसका बेटा बीमार पड़ा है. ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस. और वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है ऑरेंजेस की, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं दे सकती, सिर्फ रिवर वाटर के. इसलिए वो रो रहा है. मतलब वो इतने गरीब हैं कि घर में खाने पीने को कुछ भी है नहीं. सो अब ये प्रिंस कहता है कि स्वेलो, Will you not bring her the ruby out of my sword hilt? क्या तुम मेरी तलवार की इस हैंडल वाली डंडी से रूबी उसे जाकर नहीं दोगे? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. वो कहता है कि क्योंकि मेरे पैर इस पत्थर से बंधे हैं, इस पत्थर पे फिक्स्ड हैं, सो मैं मूव नहीं कर सकता, नहीं तो मैं खुद ही जाकर के उसकी हेल्प कर लेता. अब इस बात को सुनकर स्वेलो कहता है कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट.
इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा होगा, मेरे फ्रेंड्स सब कोई वहाँ पर उड़कर जा चुके हैं एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो वहाँ पर लार्ज लोटस फ्लावर्स से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, कुछ ही समय में वे लोग वहाँ हमेशा के लिए, मतलब माइग्रेशन में हैं वो लोग, तो वहाँ पर वो लोग आराम करने को निकल जाएंगे। द प्रिंस आस्क्स स्वेलर टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। अब जो प्रिंस था उसने स्वेलो को रिक्वेस्ट किया कि वो एक रात कम से कम उसके साथ रह जाए और उसके लिए मैसेंजर का काम करे, क्योंकि जो लड़का है वो काफ़ी प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और जो माँ है वो काफ़ी उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, एंसर्ड द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। लेकिन स्वेलो को उनकी बातों से कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद हैं या कोई मतलब भी है, मुझे इजिप्ट जाना है। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना उदास था कि लिटिल स्वेलो को भी काफ़ी दुख हुआ। वो कहता है इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। वो कहता है कि यहाँ काफ़ी ठंड है, लेकिन ठीक है फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक रात यहाँ पर रह जाऊँगा और तुम्हारा मैसेंजर बनने को तैयार हूँ। प्रिंस उसे थैंक्स कहता है कि थैंक यू लिटिल स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। अभी जो स्वेलो है वो अब उसकी तलवार से ग्रेट रूबी, उस खूबसूरत एक्सपेंसिव रूबी को निकालता है एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। और फिर वो उसे अपने बीक अपने चोंच में दबाकर शहर के ऊपर से उड़ पड़ता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। वो कैथेड्रल टावर मतलब क्रिसमस टावर के ऊपर से क्रॉस कर रहा होता है, क्रिश्चियन टावर के ऊपर से उड़ रहा होता है, जब उसने देखा कि पूरे के पूरे कैथेड्रल टावर की दीवारों पे वाइट मार्बल्स की नक्काशी की गई थी, स्कल्पचर्ड थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो जब महल के बगल से गुजरता है तो उसे डांसिंग की आवाज़ सुनाई देती है। कोई ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि बालकनी में अपने लवर के साथ खड़ी है और वो बातें कर रही है कि मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ड्रेस है वो स्टेट बॉल के फंक्शन तक तैयार हो चुका रहेगा। वो कहती है कि मैंने कहा है कि इस पे फूलों की नक्काशी करने को, लेकिन सीम स्ट्रेसेस इतनी लेज़ी होती हैं, वो तो तुम्हें पता ही है। मतलब वो अपने लवर से सीम स्ट्रेसेस की, लेजीनेस की बातें कर रही है। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स। इसके बाद वो आगे बढ़ता है नदियों के ऊपर से और देखता है कि नदी में कई सारे जहाज हैं, उनमें पताकाएं लगी हैं, उनमें लैंटर्न्स टंगे हैं, और अंततः वो पहुंचता है उस बेचारी महिला के घर पे और घर में दाखिल होता है, देखने की कोशिश करता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, जो लड़का था वो अपने बेड पे बुखार से परेशान, एंड द मदर हैड फॉलन असलीप, और उसकी माँ थक कर सो चुकी थी, शी वॉज सो टायर्ड। एनी हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेंस थिम्बल। अब उसने उस कमरे में जाकर उस लेडी के बगल में ही टेबल पे, बिसाइड मतलब बगल में, उसने उस टेबल पे ग्रेट रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग हिज बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। और उसने फिर अपने पंखों से उस बेचारे बच्चे के सिर पे थोड़ी हवा पहुंचाई और बच्चे को लगा कि वाह हाउ कूल आई फील, अब मुझे कितना बेहतर महसूस हो रहा, शायद मैं अब ठीक हो रहा हूँ। और इसके बाद वो एक बहुत ही गहरी नींद में सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। फिर वो गया और उसने बताया हैप्पी प्रिंस को कि उसने क्या किया है। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। भी वो कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालांकि ये काफ़ी ठंड है बाहर, मगर फिर भी मुझे एक अच्छा काम करके काफ़ी बढ़िया महसूस हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि तुम्हें इस मौसम में भी गर्मी का महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फॉल एस्लीप। और फिर जो लिटिल स्वेलो था वो सोने की कोशिश करता है और सो भी जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब कभी वो कुछ सोचता तो उसे अक्सर ही नींद आ जाया करता। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। जब सुबह हुई, जब धूप की रोशनी निकली, जब धूप निकला तो वो नहाने को गया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स दिस टाइम। इस बार वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके आया था प्रिंस के पास ये बताने के लिए कि आज रात चाहे कुछ भी हो वो वापस चला जाएगा।
उसने दिन भर मॉन्यूमेंट्स देखा, चर्च के स्टीपल मतलब चर्च के टॉप पे काफ़ी समय तक वो बैठा रहा। विद द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब मून जब रात को चांद निकला शाम के वक्त, तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया और कहता है कि क्या तुम्हें इजिप्ट में कुछ मैसेज भिजवाना है, कोई कमीशन, कोई काम है? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। वो कहता है कि मुझे अब बस निकलना है। तो वो चिल्ला कर प्रिंस को ये बता रहा होता है कि कुछ तुम्हें अगर इजिप्ट में काम है, कुछ है कुछ ऐसा तो बताओ। द प्रिंस सेड दैट स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? वो कहता है क्या तुम एक साथ एक दिन और मेरे साथ रह सकते हो? विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? स्वेलो कहता है कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। प्रिंस सेड स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. अब हैप्पी प्रिंस ने आज देखा है कि एक लड़का है जिसे कि एक प्ले लिखना है, उसे एक नाटक की पटकथा लिखनी है जो कि एक थिएटर में उसे पेश करना है। तो वो इस काम में इतना व्यस्त है कि उसे ना खाने की सुध है और ना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने रूम में अपने उस अपने ग्रेट वर्ड शायद सुना हो या देखा हो अपने मूवीज़ में, एक वो रूम में एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे रूम को गर्म करने के लिए आग जलाया जाता है, तो उसके ग्रेट में ज़रा भी फायर नहीं, कोई भी कोयला नहीं, और भूख के मारे वो बेहोश पड़ा है। तो हैप्पी प्रिंस उसकी मदद करना चाहता है ताकि बेचारा उठे और अपने वर्क को कंप्लीट कर सके। स्वेलो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक और रात रहने को तैयार हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वाकई में एक गुड हार्ट है। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट। वो पूछता है कि क्या उसके पास कोई और रूबी है जो उस प्लेराइट को जाकर दे सके, उस पटकथा लेखक को जाकर दे सके। अब प्रिंस कहता है कि ओह, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, मेरी जो आँखें हैं वही मेरे पास बची है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स। लेकिन ये भी कोई कम कीमती नहीं, ये तो सफायर्स की बनी है, विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। इसे भारत से आज से लगभग हजारों साल पहले लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेराइट। उसने उसे ऑर्डर किया कि देखो तुम ऐसा करो कि मेरी एक आँख की जो मोती है सफायर जो है वो तुम ले जाओ और उस प्लेराइट के पास देख कर के आ जाओ। वो इसे बेचकर कुछ लकड़ियाँ ले लेगा और अपने प्लेराइट का काम कंप्लीट कर सकेगा, अपने प्ले को पूरा कर सकेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगन टू वीप। जो स्वेलो था वो कहता है कि प्रिंस मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर वो स्वेलो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। प्रिंस कहता है कि देखो स्वेलो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स कैरेट। तो जो स्वेलो था उसने वैसा ही किया जैसा कि प्रिंस ने कहा था, उसने उसकी आँखें निकाली और यंग मैन के कैरेट में जाकर उसको ढक दिया। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. उस कमरे में जाना काफ़ी आसान था क्योंकि छत में एक होल पहले ही सा बना हुआ था। Through this he darted and came out into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. अभी क्योंकि जो यंग मैन था उसने वो सोया पड़ा था और उसका जो सिर था वो उसके हाथों के बीच था, तो उसे पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई नहीं दी। और जब वो उठकर देखता है तो वो क्या पाता है, कमरे में और कोई भी नहीं, लेकिन उसके जो बिखरे पड़े वायलेट्स थे कपड़े थे उस पर एक ब्यूटीफुल सफ़ायर रखा पड़ा है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। अब बेचारा सोचता है कि लोग उसके काम की तारीफ करने लगे हैं। दिस इज़ फ्राम सम ग्रेट एडमायर, उसे लगता है कि शायद किसी ने उसके काम को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है कोई, जिस कारण से ऐसा भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। अब वो सोचता है कि अब तो मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ, और वो वाकई में काफ़ी खुश था। अगले दिन स्वेलो हार्बर के पास उड़कर गया। वहाँ पर वो बैठा था मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। वहाँ पे वो नाविकों को काम करते देख रहा था
वो कहता है कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो बट नोबडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वहाँ पे वो नाविकों को बोलता है कि मुझे इजिप्ट को जाना है, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब मून वापस शाम के वक्त निकला तो वो वापस जाता है हैप्पी प्रिंस के पास उसे गुड बाय कहने के लिए। वो चिल्ला कर कहता है कि आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। अभी फिर उससे प्रिंस एक बार कहता है कि स्वैलो क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकते। अब स्वैलो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि देखो इट इज़ विंटर, ये ठंड का मौसम है और जो स्नो है वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। इजिप्ट में सन अभी गर्म है, वहाँ पे गर्मी के दिन हैं और ग्रीन पाम ट्रीज हैं, क्रोकोडाइल हैं मड में, और लुक लेजिली अबाउट दिम। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। हैप्पी प्रिंस इस बार उस स्वैलो को कहता है कि ज़रा उधर देखो कि उस चौराहे पे एक बिछड़ी सी लड़की है जो कि मैच गर्ल, जो कि माचिस की तिलियाँ बनाती हैं, माचिस बनाते हैं ये लोग, और शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। उसकी जो माचिस की तिलियाँ हैं वो गटर में गिर चुकी हैं और वो सारी ख़राब हो चुकी हैं। उसके पिता को पता चलेगा तो वो उसे काफ़ी पीटेगा, क्योंकि वो घर पर पैसे लेकर नहीं जा पाएगी और इसलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास ना तो जूते हैं, ना तो स्टॉकिंग्स, ना तो मोज़े हैं, एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। और बेचारी का सिर भी बिल्कुल खाली है, उसके सिर को ढकने के लिए भी कुछ नहीं है। एक काम करो कि तुम मेरी दूसरे आँख की मोती भी निकाल लो और उसे जाकर दे दो, जिससे कि उसके फादर उसकी पिटाई नहीं करें। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो, बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। स्वैलो कहता है कि देखो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं एक रात और यहाँ रुकने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों से मोती इस बार नहीं निकालूंगा। आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तो तुम कुछ देख भी नहीं पाओगे। प्रिंस कहता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड विद इट, तो उसने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाली और फिर वहाँ से उड़ चला। ही स्वूप पास इन द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। फिर वो उड़कर जाता है उस मैच गर्ल के पास और उस ज्वेल को, उस जेवर को, उस सुनहरे मोती को उसके हाथों में डाल देता है। वर अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, अभी छोटी बच्ची को पता नहीं था कि ये सफ़ायर क्या चीज़ है। वो कहती है कि अरे वाह ये कितना खूबसूरत सा शीशा है, एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हंसते घर को चल पड़ी। फिर स्वैलो वापस आता है प्रिंस के पास और कहता है कि यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो तुम अंधे हो चुके हो, अब तो तुम्हारी आँखें नहीं रही, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। तो यहाँ पे स्वैलो के एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर का पता चलता है कि वो कैसे कहता है कि क्योंकि तुम्हारी आँखें नहीं रही सो मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी आँखें बनकर रहूँगा। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अभी प्रिंस कहता है कि नहीं अब तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए, बिकॉज द कंडीशंस आर गोइंग टू बी सो कोल्ड हियर, अब तो यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वैलो एंड स्लिप्ड एट द प्रिंसेस फीट। वो कहता है कि नहीं अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वो उसके पैरों पे सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, अगले दिन वो प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा और जो कुछ भी उसे वहाँ पर अजीबोगरीब दिखता वो उसे बताता। प्रिंस कहता है कि डियर लिटिल स्वैलो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुम मुझे मार्वेलस थिंग्स के बारे में बताते हो, लेकिन ये जो मार्वेलस चीज़ें हैं वो किसी की दुख दर्द से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, वो कहते हैं कि दुनिया में माइजरी दुख से भरा कोई रहस्य नहीं है। सो फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, तो वो स्वैलो कहते हैं कि तुम मेरे शहर को उड़कर देखो कि कहाँ पर किसको क्या परेशानी है और मुझे आकर बताओ। तो स्वैलो शहर में उड़ता और उसने देखा कि जो रिच थे वो पैसे बना रहे थे, उनके पास बड़े बड़े आलीशान घर थे, जबकि जो गरीब थे वो गेट्स पे बैठे थे, उन्हीं के दरवाज़ों पर बैठे थे। ही फ्ल्यू इनटू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों में गया, वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे हैं, उनके चेहरे तो वाइट हैं, मतलब दे आर लाइक एंजल्स, लेकिन वो भूख के मारे तड़प रहे हैं उन अंधेरी तंग गलियों में। Under the arch of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. उसी गली में दो लड़के एक दूसरे से गले
लिपट कर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, और वो बातें कर रहे थे कि हाउ हंग्री वी आर, यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन टू द रेन। एक तरफ जहाँ दोनों बच्चे बिल्कुल भूखे बिल्कुल ठंड से काँप रहे थे, वही जो वॉचमैन है जो गेट कीपर है वो उन्हें कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, चलो भागो यहाँ से, और वो रेन में वो उस बारिश के बीच में भटक रहे थे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर जो स्वेलो है वो वापस जाता है प्रिंस के पास और उसे जो कुछ भी उसने देखा था वो बता देता है। वो कहता है आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। प्रिंस कहता है कि देखो मेरा जो पूरा शरीर है वो फाइन गोल्ड से ढका हुआ है, तो तुम एक काम करो कि मेरे शरीर की एक एक पत्तियाँ निकालो और जो भी गरीब है तुम्हें लगता है उन्हें जाकर ये दे दो, क्योंकि लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। क्योंकि जिंदा लोगों को हमेशा ही लगता है कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे वो हमेशा खुश रह सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब जो स्वेलो था वो उस लोगों की हेल्प करने के लिए प्रिंस के बॉडी से एक एक पत्तियाँ हटाता रहा, और धीरे धीरे प्रिंस बिल्कुल डल और ग्रे दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके ऊपर जो सिल्वर का प्लेट था, सिल्वर की जो लीव्स थी वो तो हट चुकी थी, गोल्डन लीव्स हट चुकी थी। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। अब बच्चों के चेहरे पर खुशी थी और वो सड़कों पर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे खुशी से, और वो गा भी रहे थे वी हैव ब्रेड नाउ द क्राइड। वो चिल्ला रहे थे कि अब हमारे पास खाने को भोजन है, वी हैव गॉट द ब्रेड नाउ। देन द स्नो केम, तभी बर्फ बारिश शुरू होती है, एंड द स्नो केम द फ्रॉस्ट, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, उसके बाद ठंड का बिल्कुल चिली विंटर सीजन अब वहाँ पे आ चुका है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। जो सड़कें थीं वो ऐसी लग रही हैं जैसे वो सिल्वर बर्फ से ढकी हुई हैं। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड लिटिल बॉयज वेयर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। अभी क्योंकि सभी के पास पैसा आ चुका है, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके पास स्वेटर्स हैं, पुलओवर्स हैं, जैकेट्स हैं, और कैप्स भी उन्होंने ओढ़ रखे हैं, पहन रखे हैं, और वो आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं, फिसल रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। लेकिन जो बेचारा स्वेलो है उसे ठंड लग रही थी, एंड ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, और वो प्रिंस को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद करता था। He picked up crumbs outside the baker's store where the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping its wings. वो बेकर के दरवाजे पे जाकर वहाँ थोड़ी गर्मी लेने की कोशिश करता जब तक कि बेकर उसे देख ना ले। But at last he knew he was going to die. लेकिन जब उसे पता चल गया कि अब वो शायद और नहीं जिंदा रह पाएगा, तो he had just enough strength to fly up to Prince's shoulder once more. उसने एक बार खुद से कोशिश की कि वो उड़कर प्रिंस के शोल्डर पर जाके बैठ सके, और वह कहता है गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड विल यू लेट मी किस योर हैंड। उसे कहता है कि प्रिंस गुड बाय, क्या तुम मुझे अपने हैंड्स किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। प्रिंस कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुमने अपने डिसीजन लिया है कि तुम इजिप्ट को जाओगे। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। वो कहता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक वाकई में रुक गए, और हाथ क्या, यू किस ऑन माई लिप्स फॉर आई लव यू, बिकॉज आई लव यू, इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। वो कहता है कि अब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अब तो मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फिर वो उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस किया और उसके कदमों में बेचारे की मौत हो गई। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। उसी वक्त मूर्ति के भीतर कुछ टूटने, कुछ क्रैक की आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूटा है। द फैक्ट इज़ दैट द लीड एंड हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। जो लीड से बना जो हर्ट था वो दो हिस्सों में टूट चुका था। इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। शायद ये वाकई में कड़ाके की काफ़ी तेज ठंड थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगले दिन शहर के काउंसलर्स के साथ मेयर वहाँ पे घूमने निकला था। जैसे ही वो उस स्टैचू के पास जाते हैं उन्होंने देखा, वो कहते हैं डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड।
वो आपस में बातें कर रहे हैं कि वाकई कितना ख़राब, कितना भद्दा लग रहा है हैप्पी प्रिंस देखने में। हाउ शैबी इंडीड। जो टू काउंसलर्स थे तो वो हमेशा ही मेयर की बातों पे अग्री करते, सहमत रहते, चापलूस थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और वो वहाँ देखने गए, उन्होंने देखा कि जो रूबी है वो उसकी तलवार में नहीं है, वो शायद कहीं गिर पड़ी है या खो चुकी है। उसकी जो आँखें हैं वो जा चुकी हैं और वो सोने का तो अब रहा नहीं। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। बल्कि अब तो वो किसी भिखारी से भी गया गुजरा है। ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स। भिखारी से ही बढ़िया। एंड ही हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। कहता है कि और यहाँ पर उसके कदमों में एक डेड बर्ड भी है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन। मेयर कहता है कि हमें घोषणा करवानी चाहिए कि बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी अलाउड टू डाई हेयर। हमें ये घोषणा करवानी पड़ेगी कि किसी भी चिड़िया की मौत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कोई भी चिड़िया यहाँ आकर ना मरे। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन क्लर्क था उसने इसको नोट डाउन किया। फिर उन्होंने मूर्ति को नीचे उतारा। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल। उन्होंने सोचा, आर्ट प्रोफेसर ने भी कहा, क्योंकि अब वो खूबसूरत नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसी मूर्ति को शहर के ऊंचे पेडस्टल पर रख के क्या फ़ायदा। लोग सुंदर अच्छी चीज़ों को देखना ही पसंद करते हैं, आर्ट प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। फिर उन्होंने आग की भट्टी में स्टैचू को गलाया, पिघलाया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। वो कहता है कि कितनी अजीब बात है कि दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये जो लीड हार्ट है टूटा हुआ, वो फर्नेस में टूट नहीं रहा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंकना ही पड़ेगा। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। उन्होंने उस हार्ट को कहाँ फेंका, उसी जगह पर, उसी धूल के गुब्बार में जहाँ पर वो हर्ट, उस बर्ड को फेंका गया था, उस स्वेलो को फेंका गया था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। जब भगवान ने अपने एक दूत को कहा कि दुनिया की दो सबसे खूबसूरत चीज़ें मुझे लाकर दो, तो एंजल ने वही दो चीज़ें लाई। एक तो वो डेड स्वेलो, डेड बर्ड, और दूसरा वो लीड इन हर्ट। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। गॉड कहते हैं कि वाकई तुमने बिल्कुल सही चॉइस किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे इस स्वर्ग के बगीचे में, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्डन द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। ये जो चिड़ियाँ हैं वो हमेशा ही मेरे बगीचे में रहेगी, हमेशा ही गाएगी, और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा ही यहाँ पे रहेगा मेरी तारीफ और मेरी बातें करने के लिए। दिस ब्यूटिफुल एंड मीनिंगफुल स्टोरी इज रिटन बाई ऑस्कर वाइल्ड। That is all for this video. Now I hope if you have any doubts, any questions to ask from the chapter, you please mention it in the message box. Till then, thanks and goodbye.